बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। ये वीडियो आपकी पूरी तरीके से सेंटर्ड रहने वाली है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े जो आपके संबंधित कॉलेज हैं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनसे, कि उनमें जो एडमिशन है कहाँ कहाँ का स्टार्ट हो गया है हम उसकी बात करेंगे, किसका ऑनलाइन होने वाला है जो ऑफिशियल है और किसका ऑफलाइन होने वाला है इसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी बच्चे बीए एलएलबी के हैं वो ध्यान से पूरी बातों को सुनेंगे, उसमें भी खास तौर पे जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि जिसका ऑफलाइन होने वाला जो तीन कॉलेजेस एफिलेटेड के हैं वो तीनों के तीनों गर्ल्स के कॉलेजेस हैं। तो उसमें क्या है, कैसे है प्रक्रिया, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बिल्कुल ऑथेंटिक टू द पॉइंट अपडेट आप तक पहुँचाने का काम हम करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसमें अगर हम बात करें तीन जो गर्ल्स कॉलेज हैं जिनकी ऑफलाइन, या इसको ध्यान से देखिए, ऑफलाइन आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी है, कहाँ कहाँ का है? तो एक आपका जो एसएस खन्ना है, एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज गर्ल्स का जो है ये है। इसके अलावा राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय जो है राजर्षि टंडन, इसका भी आपका ऑफलाइन होने वाला है। इसके साथ जो आर्य कन्या है, ये तीन जो आपके गर्ल्स के कॉलेजेस हैं इनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। आपको क्या करना है, क्या आप अगर इलाहाबाद से दूर कहीं हैं तो क्या आप करवा सकते हैं? तो इसके लिए आपको इलाहाबाद आना होगा, या अपने भैया को, दीदी को, जो भी अगर कोई रहता है तो आप उससे भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी साइन भी चाहिए। साइन चाहिए तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके, जैसे साइन है आपका, तो आपका साइन वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आप उसमें साइन करके भेज देंगे किसी को भी, तो आपका फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन होने वाला है तीनों के तीनों का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कट ऑफ भी होगी वो आपकी अलग से बनेगी। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ होगी वो भी अलग से बनेगी। तो यहाँ पर खास ध्यान ये देना है कि अगर आप बी ए, बी एस सी, बी कॉम, ये कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको लग रहा है कि नहीं आपका जो है मेन कैंपस से कम मेरिट है, तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से जो है यहाँ से फॉर्म ले लें। फॉर्म लेने से ये रहेगा कि ख़ास तौर पे मैं बात करूँ अगर जो बच्चे बीए एलएलबी के हैं जिनकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, और चूंकि इसकी सीट भी कम है चाहे मेन कैंपस हो, तो यहाँ पर एसएस खन्ना में बीए एलएलबी की सीट है, वो भी 75 सीटें हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से जो है फॉर्म को फिल कर देती हैं, इसकी कट ऑफ जैसा मैं बता रही हूँ अलग बनती है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का आपका कॉम्पिटिशन रहेगा, सिर्फ लड़कियों की। तो 75 सीटें जो है सिर्फ लड़कियों की रहेंगी। तो अगर आप फॉर्म भर देती हैं तो हो सकता है कि आपका बीए एलएलबी एसएस खन्ना से हो जाए। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, देखा जाए तो वहाँ पे डिसिप्लिन, हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो बीए एलएलबी के बच्चों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, इन लोगों को तो कहीं भी मतलब मिल जाएगा, लेकिन बीए एलएलबी हर उसमें नहीं है, आपके हर एफिलेटेड कॉलेज में नहीं है। क्लियर है? तो ये ध्यान देंगे, ये जो बच्चे आपके बी एल एल बी हैं जो इधर उधर परेशान हो रहे हैं, कि आप किसी भी तरीके से आप जा कर के फॉर्म ऑफलाइन ले लीजिए और ये कर दीजिए। ये तो बात रही आपके गर्ल्स के कॉलेज की। अब अगर हम बात करें कि जो अदर इनके जो है एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे कि सी एम पी हो गया आपका, आपका आई एस डी सी हो गया, इसके अलावा बात करें तो आपका ए डी सी हो गया, इसके अलावा आपका ई सी सी हो गया, ये जो लोग हैं इन लोगों की आपके जो काउंसलिंग होने वाली है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। सी एम पी की अभी मैं आपको इसी वीडियो में ऑनलाइन खोल करके दिखा दूंगी कि उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी ऐसी ही चलने वाली है। ठीक है, तो सी एम पी के इसमें हम लोग सी एम पी के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, जिसमें कि उसमें आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो आपको दिखाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको एक बात ध्यान देना है कि जैसे ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको ना फिर से सभी चीज़ें भरनी होंगी, लेकिन ऑनलाइन में जब आप मेन कैंपस के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वही सेम रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन के अलग एफिलेटेड कॉलेजेस में भी जाएगा। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सी एम पी में जो है काउंसलिंग का थोड़ा अलग है कि उसमें पी जी ए टी का रोल नंबर कहिए या एप्लीकेशन, तो उसके आगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ लगा करके करना है, तो वो जैसे ही उसकी कट ऑफ आनी शुरू होगी उसी टाइम मैं आपको ये बता दूंगी। क्लियर है? सो अभी के वीडियो में इतना ही। जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि एफिलेटेड में लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन में उनके पास चांस है, वो जा करके फॉर्म ले सकते हैं। सिंपल, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना है, डिग्री कॉलेज एसएस खन्ना में जाना है, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ कोई और छोटी बड़ी जैसे ही अपडेट आती है आप तक उसको पहुँचा दिया जाएगा। तब तक अपडेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।